रामपुरा के सरकारी अस्पताल के सामने आर्यन मेडिकल संचालित होता है, जहां पर एक पीड़ित व्यक्ति को उसकी पत्नी के लिए गर्भपात के लिए प्रतिबंधात्मक गोली दवाइयां दी गई है, जिसके बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और प्रतापगढ़ अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा है, जिसके बाद पीड़ित ने मेडिकल संचालक से इस बारे में शिकायत की है। दोनों के बीच हुई कहासुनी में मामला इतना बड़ा कि मेडिकल संचालक ने गुस्से में आकर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। विवाद होता देख आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है। चांदमल ने उच्च अधिकारियों से शिकायत कर तत्काल मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें, गर्भपात की दवाइयां सरकार की ओर से प्रतिबंधित है, बावजूद इसके बाजारों में प्रतिबंधात्मक दवाइयां ऊंचे दामों पर बिक रही है। प्रतिबंधात्मक दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के धड़ल्ले से मेडिकल संचालक द्वारा बेची जा रही है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले भी मेडिकल संचालक द्वारा बोहरा समुदाय के एक व्यक्ति को इस प्रकार की एक्सपायरी डेट की गोलियां दी गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी। लोगों ने समझाइश देकर मामला शांत करवाया। इस प्रकार की यह दूसरी घटना है। मेडिकल संचालक द्वारा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देकर इस प्रकार के मेडिकल पर रोक लगाएगा या फिर यूं ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ जारी रहेगा? आप बताओ क्या मामला हुआ आपका? मेरी मिसेस को गलत गोली दी थी एक महीना 10 दिन पहले, तो उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। अच्छा, तो उसके बाद में फिर 7-8 दिन में आया था, उन्होंने बोला कि मैं दूसरी गोली दूंगा, मेडिकल से नहीं थी उससे पढ़ पड़ा ज़्यादा ब्लीडिंग लग गई। तो मैं अभी आया तो उन्होंने बोला कि तेरे करना जो कर रिपोर्ट डाल दे। अच्छा, उनसे बोला कि जांच करा दे, तो बुजुर्ग बुला रहा है 500 बुला रहा है मानना। अच्छा, तो इन्होंने गलत गोली दी आपको? हाँ। अभी